हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे, और नानी के घर पे बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी तो मैंने देखो कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन मैंने अभी अपने बाल नहीं बांधे हैं, देखो ऐसे मैंने क्लेचर लगा लिया है। तो मैंने सोचा पहले मैं आप सभी से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से छोटी मोटी बना लूंगी, वैसे मैंने कर लिया। तो चलिए मैं अपनी छोटी बांधती हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ, बाय बाय इतनी देर के लिए। तो गाइज, हमारा जाने का टाइम हो गया है और अभी मैं गेट पर खड़ी हो गई, मेरी छोटी भी हो गया, अब मैं जाके मम्मा से गले मिल लेती हूँ, बाय। अब हम सीधा पेट्रोल पंप पे ही रुके हैं और मैं थोड़ी सी क्लिप बना ली थी बाहर की, और अभी पेट्रोल इतना हो रहा है तो अभी मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, मेरे बाल भी सारे ख़राब हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ी देर खड़े खड़े हो जाते हैं, फिर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, अपनी पेट पूजा करेंगे। मैं अभी एक जगह आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर साइड देखिए कितना प्यारा व्यू है, यहाँ पर मैं थोड़े से फोटो खिंचवा लेती हूँ। और उधर आम का बाग भी है, शायद आपको दिख रहा होगा, देखो आम का बाग भी है, पीछे रहता भी, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही है। हाँ चलो ठीक है, अब मैं थोड़ी चीज़ें जो जो मुझे मिल रही है मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, मैं जल्दी से फोटो भी खिंचवा लेती हूँ, ठीक है, पेट्रोल फुल हो गया। तो गाइस, हम लोग आ गए थे, और हम लोग आ गए थे 7 बजे तक, और अब बज रहे हैं 8:30। तो अब हम लोग जाने के, हमारा डिसीजन हुआ कि हम लोग यहाँ पे लगे हैं एग्जीबिशन, तो हम लोगों ने सोचा कि हम एग्जीबिशन में चले जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं अब एग्जीबिशन में, और मैं वहाँ का भी अच्छे से इंशाल्लाह ब्लॉग बनाऊँगी, और आप सबको जो जो मैं कोशिश करूँगी, जो जो चीज़ मुझे मिलेगी मैं आप सबको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो चलिए अब हम चलते हैं, और चलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, अभी मामू के घर के थोड़ा आगे ही है बस, तो इस वजह से हम लोग पैदल जा रहे हैं, अब अंधेरा आ गया तो फिर वहीं पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ, ठीक है, हम यहाँ से एंटर होंगे, बड़ा रोड चल रहा है भाई, हलवा पराठा माई फेवरेट, अब यहाँ से हम एंटर होंगे संभल, ये तो फट गया, गाड़ी जाते जाते फाड़ भी दिया गाड़ी वालों ने। वो माय फेवरेट झूला, कितना बड़ा, शायद मैं सबसे बड़ा झूला झूलूँ, बड़ा डर लग रहा है इसको देख के, ऊंचाई से तो वैसे भी मुझे डर लगता है। और दूसरा मिकी माउस इधर से दिख रहा है, और ये जो है शायद कोलंबस वाला है, और ये मिक्की माउस जो हमारे शाहबाद में भी लगता है, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा लगता है। ओ भाई, ट्रेन छोटू मोटू सी, देखो ना ऊंचा झूला, बड़ा दिल दहला रहा है मेरा, और ये पता नहीं कौन सा है, चलो अब हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर आपको किसे मिलते हैं, इतना ऊंचा झूला है भाई। तो गाइस, यहाँ पे लिया जा रहा है टिकट, मेरा अभी डिसीजन बार बार, गाइस अभी अपनी लोग तो ऊपर चले गए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, इस वजह से मैं नहीं गई, मामू तो बहुत कह रहे हैं चल जा चल जा, मैं शायद ट्रेन वाला झूल लूं, अभी भी बैठ गई, आयान भी बैठ गया, इतना छोटा, मुझसे छोटा भाई, बस मैं ही नहीं बैठ पा रही हूँ, अभी चल गया, मेरा यहीं से दिल खराब हो रहा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इतना ऊंचा है भाई, अप्पी आती होंगी, कौन से मैं अप्पी, वो भी मेरी आवाज तो सुन ही नहीं रहा कोई भी, इधर आती हूँ। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहाँ गम था, अब भी जब ना हल्का हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी।
डर नहीं लग रहा, ना चीखों की आवाज़ आ रही है। मैं सोच रही हूँ कब चीखों की आवाज़, उसने चिल्ला पड़ लिया, सही सलामत आ जाए। ट्रेन लिए ना गाइस, ये वाला झूला सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें इतने बुरे चक्कर आएंगे। अभी वो दो लड़कियां हैं जो आपको दिख रही हैं, वाइट कलर की, उसमें बोट टाइप जो बना हुआ है। अब जब ये उतरेंगी ना, तब इनका ना मैं रिएक्शन दिखाऊंगी कैसे उनको चक्कर आएंगे। ठीक है, टिकट वाले आ जाओ। अभी भीड़ आना वहां से शुरू हो गई है। अभी हम पहले ही आ गए ना 8:30 बजे, तो अब जाएंगे पूरी रात। और अब झूला रुक चुका है यार, इससे तो मैं सोच रही हूँ मैं झूल लेती, मगर वहाँ पे मेरी हालत खराब हो जाती। अब आराम आराम से वो उतारेंगे, बच्चा कैसे चला रहा है। लोग आ गए हैं ऊपर और कोलंबस वाले झूले में अटके, तो भाई ऐसे बैठूंगी पकड़ के, बैठ गई, अब झूला स्टार्ट होगा। पता नहीं कब का स्टार्ट होगा। मिकी माउस को देख देख के मेरा दिल डर जा रहा है, मगर अब नहीं, यही वाला बस, नहीं तो उल्टी बहुत खतरनाक रहेगी। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही हो, स्टार्ट हो जाए जल्दी। तो गाइस झूला हो रहा है स्टार्ट, बहुत डर लग रहा है मुझे ऊंचे वाले झूले में। अप्पी ने अपने एक्सपीरियंस बताया, अप्पी बोली ज्यादा डर नहीं लगा, बहुत मजा आया था। एक लड़के चीख मार रही थी लेकिन मुझे आवाज नहीं आई ना। अब मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूंगी वरना अप्पी को चिपक जाऊंगी। अब थोड़ी भीड़ आना शुरू हो गई है। तो गाइस ये वाले झूले में अयान बैठा है, मेरा मुमेरा भाई, वो है। गिटार पर नाम भी लिखवा रहे हैं, अब मेरा नाम भी लिखवा लेना, ये अप्पी का बनने है। गिटार पे बनवा रही हूँ, मैं इस पे बनवाऊँ। झूले में बैठने की गलती कर दी अप्पी ने। तो गाइस अब हो गया है नेक्स्ट डे, और कल मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग नहीं करी थी इसलिए, क्योंकि पूबा की भी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब मेरी अप्पी की और अयान की भी तबीयत खराब हो गई थी, जो बॉट चला रहा था वो मेरी वीडियो में होगा। तो मतलब इस वजह से मैंने अपने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, फिर हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। ये देखो आप,
ये है गिटार, गिटार पे अप्पा ने अपना नाम लिखवाया था, तो फिर मैंने सोचा मैं भी अपना नाम लिखवा लेती हूँ, अच्छा लगा अप्पा का, तो फिर मैंने अपना भी नाम लिखवा लिया, शायद उल्टा दिख रहा होगा इसमें, और बटरफ्लाई भी लगवा ली। अब मैं मुझे कीरिंग का आजकल ज़्यादा से ज़्यादा शौक हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मैंने एक ईद पे भी एक मेला लगा था हमारी शाहबाद में लगा था, तो फिर हमने मैंने उसमें से भी कीरिंग ली थी, क्रैप्स वाली कीरिंग थी, तो इस वजह से, और अब मैंने ये वाली ले ली, ये वाली अपनी लास्ट वाली चैन में डालूंगी। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।